चलिए देखिए, हम एक और टाइट्रेशंस देख रहे हैं, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशंस। ये काफी कॉमन टाइट्रेशंस है, ठीक है। तो KMnO4 के बारे में पहले तो आप जानकारी लीजिए कि KMnO4 होता कैसा है। KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट और काफी इजीली अवेलेबल है, इसीलिए ये हमारे मेन टाइट्रेटिंग एजेंट में से यूज किया जाता है, ठीक है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जनरली हम पहले भी बता चुके हैं, MnO4 हम ये एसिडिक भी, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है तो एसिडिक ही मीडियम रहेगा, तो KMnO4 जो कि MnO4 माइनस, ये किस कलर का होगा आपके पास? पर्पल। ये चेंज हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है, और लास्ट में ये किस में चेंज हो रहा है? Mn+2, जो कि एक तरह से पैल पिंक टाइप हो रहा है। अपने आप में ये कलर चेंज कर रहा है, तो हमें अलग से इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ऑक्सैलिक एसिड दूसरा पॉइंट है हमारे लिए, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन उससे पहले ये एन फैक्टर आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताइए। एन फैक्टर यहाँ पर कितना होगा? 5, क्योंकि +7 से +5 में आ रहा है। बोलो यस और नो। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है? H2C2O4, ठीक है। तो कुछ अपनी नॉलेज और बढ़ाइए, सॉलिड फॉर्म में ये ट्वाइस H2O होता है, यानी हाइड्रेटेड होता है। तो यहां इसका अगर सॉलिड स्टेट क्रिस्टल फॉर्म में लेंगे तो आप ये रहेगा, और इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड। बाय डिफॉल्ट आपको हाइड्रेटेड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां मोलर मास कितना होगा इसका? मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट होगा इसका, आप खुद निकाल लीजिए, 2 + 24 + 64 + 2 × 18 कितना हुआ? 36। क्या मैं सही हूं? तो देखिए यहां पर, तो आपके पास हुआ 4, 8, 10, 6, 7, 8। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? सब कुछ सही है, ठीक है। तो बताइए कितना हो रहा है? 136, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो पता है क्या होगा? C(O)126 आएगा। इसको सही करिए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस होता अगर ऑक्सलेट आयन होता, लेकिन अभी ऑक्सैलिक एसिड है, OH OH, सही है। तो ये हमारे पास ग्राम पर मोल है, आगे की बात। अगर ये हाइड्रेटेड नहीं दिया जाता, वो खुद बोलता अनहाइड्रेटेड, तो ये तो हुआ हाइड्रेटेड .2H2। अनहाइड्रेटेड के लिए अगर बात होती तो आपके पास ये फॉर्मेट होता, सिर्फ H2C2O4। बोलो क्लियर है? और इस जगह इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता आपको मालूम है? 90। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ऑक्सैलिक एसिड हो, ये हाइड्रेटेड हो या अनहाइड्रेटेड, ये फाइनली किस में गेन करेगा? C+4 में। यानी हाइड्रेटेड हो या अनहाइड्रेटेड, ये C4 में चेंज होगा। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा इस जगह? देखिए यहां पर कितना है? +3। +3 से किस में जा रहा है? +4। एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहां दो कार्बन है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। यहां पर भी एन फैक्टर कितना होगा अगर जाता है तो? 2। समझ में आ रहा है? यानी आप हाइड्रेटेड लाएं या अनहाइड्रेटेड लाएं, आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना रहेगा? 2। पकड़ लिया आपने? बोलो क्लियर है? तो ये तो एक लॉजिक है कि एन फैक्टर आपके पास ये रहेगा।
तो अगर मैं KMnO4 की टाइट्रेशंस ऑक्जेलिक एसिड से कराता हूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर? ऑक्जेलिक KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, डो ट्वाइस H2O ले रखा है आपने, और ये C+4 और Mn+2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बताइए इसके लिए एन फैक्टर कितना है? 5। इसके लिए एन फैक्टर कितना है? 2। तो यहाँ आपको पास वेट दिया गया है, मॉलिकुलर वेट दिया गया है एन फैक्टर 5। यहाँ आपके पास ये सब KMnO4 के लिए, यहाँ आपके पास वेट दिया गया है, मॉलिकुलर वेट दिया गया है जो कि आप निकाल चुके हो 126, और एन फैक्टर कितना है? 2। ये आपके पास हो गया H2C2O4.2H2। इस तरह से मैं आपको W1 दे दिया, W2 पूछ रहा हूँ, मॉलिकुलर वेट आप निकाल लीजिएगा KMnO4 का क्या है, और फिर आप वैल्यूज रख के W2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या W2 दे दिया है तो W1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ की पॉइंट है, पहले ये लिखिए उसके बाद लिखेंगे। देखिए ये आपने पॉइंट लिखे, अब इसके कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट सबसे पहला है कि हम अगर एसिडिक मीडियम लेना चाहें तो हम क्या लेंगे और कैसे काम चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट की पॉइंट के रूप में लिख लीजिए, हमें ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? बैलेंस केमिकल, फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इन एसिडिक मीडियम, आपके पास कौन है? KMnO4 है, ऑक्जेलिक एसिड है, अनहाइड्रेटेड दिया गया है, H2SO4 है जो कि K2SO4, MnSO4 प्लस H2O में चेंजेज हो रहे हैं। ये तो बेसिक जानकारी हुई आपके पास, लिखिए। और कुछ हद तक आपके पास CO2 भी बनेगी, कुछ हद तक क्या बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एन फैक्टर कितना था? 5, समझ रहे हैं? तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से कर दिया, क्लियर है? तो एक तरह से हमारे पास 2, 5, और H2SO4 जब आप बैलेंस करेंगे तो 3, पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया, Mn आपके पास यहाँ पर कितना आएगा? 2, और H2O अब आपके पास यहाँ पर 8 और ये 10, आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बैलेंस कर लिया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड क्या पॉइंट, आपने एसिडिक मीडियम के लिए किसको सेलेक्ट किया है? H2SO4। वी कैन नॉट टेक HCl, क्यों नहीं ले सकते HCl? बिकॉज, क्योंकि HCl लेते ही दिक्कत क्या आएगी, HCl में KMnO4 अपने आप में स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो Cl- को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज Cl- ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। तो हमारे को पता चलेगा KMnO4 दो दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब भी कोई एक सब्सटेंस दो अलग अलग रिएक्शन में कर रहा है तो फिर आपकी एरर आनी तय है। दूसरा, थर्ड पॉइंट, हमें लगा हम HNO3 ले सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं ले सकते। वी कैन नॉट टेक HNO3 बिकॉज NO3- अपने आप में स्ट्रॉन्ग, NO3 ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब दिक्कत क्या होगी कि जब दोनों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है, KMnO4 और HNO3, तो दोनों मिलके ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे, तो भी एरर आनी तय है। ऑक्सी HNO3 ऑल्सो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कैपेबल टू ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो दोनों मिलके करेंगे, KMnO4 थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा कर लेगा, लेकिन कुछ तो ये भी करेगा, दोनों ही कैपेबल है। तो जब दोनों कैपेबल है तो भी एरर आनी था, तो इसका मतलब हमारे लिए तो ये बेस्ट है। SO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग का काम कर सके, तो यहाँ H2SO4 क्या है, सिर्फ मीडियम को एसिड करने के काम आ रहा है, बाकी और कोई इसका काम नहीं है। और एसिडिक मीडियम में KMnO4 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, आप इसको समझ लीजिए कि ये कैटलिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, यहाँ रिएक्शन और फास्ट होगी और सिस्टमेटिक होगी। तो ये की पॉइंट आपके पास निकल के आ रहे हैं। चलिए, रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई, आपने KMnO4 की टाइट्रेशन करी है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ किया है, आपने मीडियम में H2SO4 भी ले लिया, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात आती है इंडिकेटर, क्या हमें वास्तव में इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ? नहीं, क्योंकि KMnO4 खुद अपना कलर चेंज कर रहा है, पर्पल से क्या ले रहा है, पेल पिंक ले रहा है। तो जब वो खुद ही कलर चेंज कर रहा है तो हमें एक्सटर्नली इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, अलग से इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो की पॉइंट हमारे पास एक और बन रहा है, इन अबाउट हाइड्रेशंस वी नो नीड ऑफ इंडिकेटर बिकॉज KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेशन, सेल्फ इंडिकेटर Mn+7 से Mn+2 में जाएगा, एक तरह से पेल पिंक में कन्वर्ट हो चुका है और पहले क्या था, पर्पल। तो ये आपके पास हो रहा है एक और पॉइंट, लिखिए। चलिए देखिए, सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या दे रहा है, दे रखा है इस क्वेश्चन में 1.2 ग्राम ऑफ ए कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वाट डिसोसिएट या वाट डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ दिस सैंपल रिक्वायर्ड 8.5 ml ऑफ N/10 KMnO4, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन विद इन 30 सेकेंड्स में हम कर सकते हैं। कैसे, हमें ये तो मालूम है KMnO4 के साथ टाइट्रेशन हुआ है, किसकी हुई है, ऑक्सैलिक एसिड, और उसका वेट दिया हुआ है, तो H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2 आपको लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये हाइड्रेटेड ही होता है। इसके लिए एन फैक्टर कितना होता है आपके पास, आपको मालूम है 5 है, यहाँ एन फैक्टर कितना है, 2 है। ये चीज़ें अब आपको याद ही होनी चाहिए। अब आगे दोनों के इक्विलेंट बराबर करने हैं, यस ये हमारा टाइट्रेशन रूल लग रहा है। तो बताइए हम क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2। आपका काम 30 सेकेंड्स में होना जरूरी है। तो KMnO4 का आपको क्या दिया गया है, आप देखिए KMnO4 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 8.5 ml, तो ठीक है 8.5 ml, ml को लीटर में चेंज कर दिया, ये लीटर हो गया, और कंसंट्रेशन 1/10 दे रखी है, n यहाँ पर नॉर्मलिटी है, n यहाँ पर नॉर्मलिटी है। तो जब नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर इक्विवेलेंट आ गया, क्या आपको n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, नहीं। अगर वहां पर मोलरिटी दी होती तो आप करते,
अभी आपको कोई एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ऑक्जेलिक एसिड के लिए आपको एक सैंपल दिया है जो 1.2 ग्राम है, कितना है 1.2 ग्राम, यानी सैंपल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी हो भले वो सिलिकॉन ऑक्साइड की क्यों ना हो, तो 1.2 है और हमसे प्योरिटी पूछा जा रहा है। तो क्या एज्यूम मान लीजिए एक्स परसेंट उसकी प्योरिटी है, ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 100, ये प्योर मास आ गया किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, मास ऑफ सॉल्यूशंस या मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100 करते ही आपके पास प्योर मास आ गया। अब आपने क्या किया है, इसको ये मास आ चुका है, इसको आपने 200 ml में डिजोल्व करके 10 ml निकाला है, टू जिसमें डिजोल्व किया है वो नीचे डिवाइड और जितना निकाला है वो आपने ऊपर रख दिया, क्या आ गया आपके पास 10 / 200, ये वो मास है जो वास्तव में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मास है मोल तो नहीं है, तो मोल के लिए मोलर मास का डिवाइड करो कितना हुआ 126, मोलर मास का डिवाइड कर दिया आपने, मोल आ गया, मोल के बाद अभी आपको मोल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए इक्विवेलेंट, तो मोल मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना पड़ेगा एन फैक्टर करना होगा, और एन फैक्टर यहां पर क्या है 2। अब आपके पास सिर्फ कैलकुलेशंस है जो आप खुद करेंगे, और आंसर मैं लिख देता हूँ 89.25% आपका आना चाहिए। करिए इसको, देखो एक और एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में क्या दिया गया है पहले पढ़ते हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलेट आयन इन गिवन सैंपल ऑफ ऑक्जेलेट सॉल्ट ऑफ विच 0.3 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ एन बाई 20, एन यहाँ पर यूनिट है तो 1/20 अमाउंट है KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है क्या, C2O4 माइनस, अगर ऑक्जेलिक एसिड होता तो H2C2O4 होता, लेकिन हमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं दिया है, हमें ऑक्जेलेट आयन दिया है, तो ये ऑक्जेलेट आयन हुआ प्लस KMnO4। ये एक रेडॉक्स टाइट्रेशन है जिसके अंदर Mn का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 5 या n फैक्टर बोल दीजिए, और यहाँ कितना होता है 2 n फैक्टर, तो आप लिख लें प्यार से 5 और n फैक्टर 2। अब बात आती है कि हम क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें ऑक्जेलिक एसिड परसेंटेज निकालना है ऑक्जेलेट आयन का, और सैंपल का मास दे रखा है आपको, कहीं ध्यान से देखिएगा ऑफ दिस 0.3 ग्राम दिया हुआ, ठीक है 0.3 ग्राम है, मान लीजिए 0.3 ग्राम का एक्स परसेंट आपके पास ऑक्सीलेट आयन है, तो ये ऑक्सीलेट आयन का मास हो गया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑक्सीलेट आयन का कितना होगा 88, ये आपके पास ऑक्सीलेट आयन का मास हो गया, एन फैक्टर क्या है 2, ये इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट। KMnO4 पे आते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 90 ml है, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 इनटू 1/20, इस तरह से करते हैं हमारा आंसर दिखाई देगा, और एक्स की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट, कैलकुलेशन करिए 66%। एक बार और समझाना है, ठीक है लिखें इसको, तो हम एक और टाइट्रेशन KMnO4 की देख रहे हैं, और वो टाइट्रेशन है KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेशन, फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेशन यानी फेरस है हमारे पास Fe+2 जो कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें Fe+3 में, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखते जाइए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां Fe+2 में है जो कि +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Mn यहां पर +7 में, और एसिडिक मीडियम में हम जानते ही ये +7 से +10
टू में चेंज होता है, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ FeSO4 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई बता सकता है इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? +7 से +2 में चेंजेज हो रहा है, तो एन फैक्टर यहां पर क्या होगा? 5। यहां एन फैक्टर क्या होगा? 1। +2 से +3 में चेंज हो रहा है। Fe के कितने एटम है इस पूरी मॉलिक्यूल में? 1, ठीक है। तो ये Fe +2 में चेंज हो रहा है। अब यहां पर आपके पास इसका अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता तो क्या होता है? यहां पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, यहां इक्विवेलेंट वेट होता तो क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहां आपको एक तो इक्विवेलेंट वेट अगर पूछा जा रहा है तो बता सकते हैं, और टाइट्रेशन के लिए आप क्या लिखेंगे? जैसा आप कर सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये N1V1 किसके लिए? KMnO4। ये N2V2 किसके लिए? फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए, यानी आप सॉल्ट ही लिख दीजिए यहां पर। अगर यहां पर फेरस की जगह फेरिक होता तो क्या ये ऑक्सीडाइज होता? नहीं, फेरस ऑक्सीडाइज होके फेरिक हो सकता है, लेकिन फेरिक ऑक्सीडाइज होके फिर फर्दर कुछ और नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपको N1V1 नहीं दिया गया है तो आपको क्या दिया जाएगा? मोलरिटी दी जा सकती है। तो आपको कैसे भी करके इक्विवेलेंट निकालना है, तो M1V1 मोल आ गए, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट आ गए। ये काम हम यहां पर भी कर सकते थे, M2V2 एन फैक्टर करते ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंट आ जाएंगे यहां पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वॉल्यूम और मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन दिया जाए, आपको मास भी दिया जा सकता था। तो आप क्या करते? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, मोल हो गया, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ले लेते KMnO4 के लिए। इसको आप चाहो तो W1 लिख सकते हो, और यहां क्या हो सकता था? W2 मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट में अब आपको यहां पर एन फैक्टर आपको मालूम है यहां पर कितना है? 1, यहां एन फैक्टर 5। लेकिन ध्यान रखना, मॉलिकुलर वेट में आपको होल कंपाउंड का लेना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रेटेड 6H2O का। अगर उसने अनहाइड्रेटेड दिया है तो आप इसको हटा के फेरस अमोनियम सल्फेट बोलोगे, ठीक है। हाँ, केवल फेरस सल्फेट दिया होता तो ये पूरा पोर्शन हटा देते हैं। तो ये टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट की है, हाइड्रेटेड, अनहाइड्रेटेड भी दे सकते थे, केवल फेरस सल्फेट भी दे सकते थे। तो जैसा दिया जाएगा मोलर मास उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, या फेरस सल्फेट हो, या फेरस अमोनियम सल्फेट हो, या फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रहेगा, सिर्फ मोलर मास का फर्क पड़ेगा यहाँ पर। और एक और पॉइंट, ये इसके बराबर है, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन सा होगा? जनरली मैं KMnO4 को स्टैंडर्ड मानता हूँ, और KMnO4 जब मेरे लिए स्टैंडर्ड है तो मैं उसको उसकी कंसंट्रेशन मुझे मालूम होगी, और मुझे किसकी पता लगानी है? FeSO4। तो हमारे जो एग्जाम्पल होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि सपोज इसका 100 ग्राम है जिसकी प्योरिटी X% है, तो एक्चुअल मास कितना हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय X/100, ये मास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वो मास है जो प्योर है। अब जरूरी नहीं है पूरा प्योर मास ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया, आपने उस मास को कैपिटल वी लीटर में डिसॉल्व करके स्मॉल वी लीटर निकाल लिया, तो कैपिटल वी का डिवाइड करेंगे, स्मॉल वी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वो मास हो गया जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मास निकालने के बाद मोलर मास का डिवाइड करेंगे, और एन फैक्टर जो कि यहाँ पर 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है क्या दिया गया है। अगर नॉर्मलिटी दी गई है तो डायरेक्ट N1V1,
मोलरिटी दी है एम वन वी वन एन फैक्टर, मास दिया हुआ है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इस तरह से आप प्रोसेस को करेंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो ये रहा हमारा के मेनो फोर टाइट्रेशन, जिसमें हमें के मेनो फोर की कंसंट्रेशन मालूम थी और हमने फेरस अमोनियम सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्योरिटी निकाल ली। ठीक है, करें आप इसको, लिखें। हमेशा की तरह हर टाइट्रेशन में हमें एक चीज लगती है, इंडिकेटर, पता लगना चाहिए इंडिकेटर। क्या यहाँ कोई इंडिकेटर की जरूरत होगी? क्या नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि Mn अपने KMnO4 अपने आप में सेल्फ इंडिकेटर है। तो यहाँ की पॉइंट आपके पास आएगा और वही KMnO4 इस सेल्फ इंडिकेटर इंडिकेटर। और आपको मालूम ही होगा कि जब तक KMnO4 है, यानी Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर समझ में आ रहा है, MnO4-+7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कलर पता है क्या होता है? पर्पल। और अगर ये Mn+2 में चेंज होता है तो यहाँ कलर कैसा होता है? पैल पिंक। तो जब कलर चेंज होता है उसी समय में पता चल जाता है रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए बात करते हैं इस एग्जाम्पल में, 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ फेरस सल्फेट, यहाँ FeSO4 दिया है ना कि फेरस अमोनियम सल्फेट, इन वाटर कंटेनिंग डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, यानी एसिडिक मीडियम दिया गया है, एंड द वॉल्यूम मेड अप टू 1 लीटर, 1 लीटर आपने कर दिया, 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ दिस कंप्लीट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी KMnO4 का आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ये चाहिए चाहिए। तो आपकी आपका सॉल्यूशंस बनेगा कैसे? आपको मालूम है आपके पास FeSO4 है, .7H2O है, ये आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन, और उसकी KMnO4 के साथ टाइट्रेशन की गई है। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एनफेक्टर आप अच्छे से जानते हैं कितना है, 5 है, और FeSO4 का एनफेक्टर कितना है, 1 है, इतना आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब आगे 25 ग्राम आपको दिया गया है सैंपल का मास, मान लीजिए एक्स परसेंट प्योरिटी है, तो 25 × x/100 हो गया आपका, ये तो आपके पास हो गया वो जो प्योर है, लेकिन आपने उसको 1000 ml में डिजोल्व करके 25 ml निकाल लिया, तो जितना निकाला है वो ऊपर रख दिया, ये आपके पास हो गया एग्जैक्ट वो मास जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आप पूरा FeSO4.7H2 का लेंगे पूरा कंप्लीट, और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर जो कि 1 है वो आप लिखेंगे, कर लें KMnO4, क्योंकि आपको डायरेक्ट नॉर्मली दी गई है, तो आपको एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एन नॉर्मलिटी की यूनिट है 1/10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, 20 ml दिया गया है आपको, 1000 में कन्वर्ट कर दिया, ये कैलकुलेशंस करनी है, एक्स की वैल्यू आपके पास 88.96% आपको देखने को मिलेगी, करिए इसको।